Hello my dear friends, I am Professor Vayan Khan and this is the part 7 of unit number 4, steels and cast iron. Up to this video we have completed the part of steels, and in today's video we are going to begin with the part of cast irons, in which we are going to discuss the classification of cast iron and effect of and some of the other elements which are present in the cast iron. Okay, and the cast iron part contains classification, amount of alloying elements, then effect of alloying element, and various types of cast irons that we are going to study in this cast iron part. So let us begin. What are cast irons? क्या है cast irons? या cast iron किसको बोला जाता है? So cast iron is also an alloy of iron and carbon. जैसे steel है, तो steel का जो भी कंटेंट है उसके अंदर कार्बन रहता है और आयन रहता है, जिसमें से कार्बन ही अलॉय एलिमेंट है, आयन इज द करंट एलिमेंट. सो कास्ट आयन और स्टील में क्या डिफरेंस है? देखिए, कास्ट आयन और स्टील में ये नहीं डिफरेंस है कि दोनों भी, पहली चीज तो दोनों भी आयन और कार्बन के भले ही अलॉय होंगे, बट इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है ये बहुत डिफरेंट है. ओके, सो हमारे स्टील जो है इसमें जनरली 0.008 से लेके 2% तक कार्बन का कंटेंट रहता है. ओके, मैक्सिमम अप टू 2% क्या रहता है हमारा स्टील के अंदर कार्बन का परसेंटेज रहता है, बाय वेट परसेंटेज. इसको हम बोलते हैं स्टील. तो जैसे जैसे स्टील का, जैसे जैसे कार्बन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हार्डनेस भी हमारे स्टील की बढ़ती जाती है, दैट वी नो. ओके, सो 0.008 से लेके हमारे पास में कहां तक 2% तक जो भी कार्बन रहेगा इस आयन कार्बन के अलॉय में, उसको हम बोलेंगे वेयर एज द कास्ट आयन इज हैविंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन मोर देन 2%. 2% से ज्यादा जिस आयन कार्बन अलॉय में 2% से ज्यादा कार्बन रहेगा उसको हम बोलेंगे कास्ट आयन. ओके, इसका नाम कास्ट आयन इसपे से पड़ा है कि इसकी कास्टिंग्स जनरली बनाई जाती है. कास्टिंग्स मतलब आपको पता है मोल्टन मेटल मोल्ड्स में मोल्ड पोर किया जाता है और इसमें से हम कास्टिंग्स बनाते हैं, राइट. सो जनरली जो कास्ट आयन है इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है इट इज अराउंड 2% टू 6.67%, दैट इज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन. ओके, ये हमारा मैक्सिमम परसेंटेज है, बट प्रैक्टिकली जो इस्तेमाल किए जाते हैं कास्ट आयन, दे कंटेन 2% टू 4% कार्बन ओनली, उसमें 2% से 4% तक कार्बन रहता है. ओके, आलो 2% टू 6.67% आयन एंड कार्बन अलॉय इज कॉल्ड एज कास्ट आयन. इट हैज गॉट इट्स नेम ड्यू टू इट्स एक्सीलेंट कास्टिंग क्वालिटीज, बिकॉज दे कैन बी कास्टेड इन वेरी इंट्रिकेट शेप्स, वेरी डिफिकल्ट शेप्स, एंड दे हैव गुड फ्लुएबिलिटी as well as castability. Okay, therefore their name comes as cast irons. Generally they are hard and brittle. Okay, but they have good compressive strength, hence they are used in many machine parts, where there are many machine parts to manufacture the blades or different rails of these machines, where the compressive strength required is more. So these are the cast irons. Let us discuss about its classification. Its classification के बारे में बात करते हैं. So basically cast irons are classified on the basis of furnace used and on the basis of composition as well as on the basis of their microstructure. So let us discuss about the first basis, that is the furnace used in their manufacture. उनकी manufacturing में जो furnace used होता है उसके बेसिस पर कास्ट आयंस के नाम गिरते हैं. जैसे कि क्यूपोला फर्नेस का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको बोलेंगे क्यूपोला कास्ट आयन. कोई एयर फर्नेस का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसको बोलेंगे एयर फर्नेस कास्ट आयन. उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फर्नेस रहता है, सो इलेक्ट्रिक फर्नेस का अगर इस्तेमाल किया गया इसमें से अगर कास्ट आयन बनाया गया तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फर्नेस कास्ट आयन. और एक चौथा स्पेशल कैटेगरी है जिसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्स फर्नेस. इसमें से कास्ट आयन का नाम पड़ता है ड्यूप्लेक्स फर्नेस कास्ट आयन. ड्यूप्लेक्स मतलब जिसके अंदर दो फर्नेसेस यूज होते हैं. एक फर्नेस जो यूज होता है इट इज यूज टू मेल्ट द मेटल
जो मेटल है आयन कार्बन जो है उसको मेल्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो इन वन पार्ट द मेटल इज मोल्टन, और यू कैन से इन वन फर्नेस द मेटल इज मोल्टन एंड इन अदर फर्नेस इट इज रिफाइंड. दूसरे फर्नेस में उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, फिल्टर करते हैं, उसका रिफाइनमेंट करते हैं. फिल्टर की वजह उसको बोलेंगे रिफाइनमेंट करते हैं, ग्रेन साइज या जो भी इसका माइक्रोस्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई किया जाता है अदर फर्नेस में. ऐसा फर्नेस रहता है ड्यूप्लेक्स फर्नेस, और इससे जो कास्ट आयन बनेगा उसको बोलेंगे ड्यूप्लेक्स फर्नेस कास्ट आयन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड प्यूरिटी. जो कंपोजिशन है हमारे कास्ट आयन का, मतलब जो जो उसमें अलग एलिमेंट्स हैं या जो जो उसके अंदर प्रेजेंट है एलिमेंट्स उसके बेसिस पर, और उनकी प्योरिटी कैसी है उसके बेसिस पर. सो पहला टाइप आता है लो कार्बन लो सिलिकॉन कास्ट आयन, जिसके अंदर कार्बन का परसेंटेज बहुत कम रहता है, इट इज क्लोज टू 2%. एंड उसमें जो सिलिकॉन है उसका भी परसेंटेज कैसा रहता है, कम रहता है. दे आर जनरली मोर यू कैन से डक्टाइल एज कम्पेयर विद द अदर कास्ट आयन. देन नेक्स्ट टाइप इज हाई कार्बन लो सल्फर कास्ट आयन, इसके अंदर कार्बन का कंटेंट ज्यादा रहता है, सल्फर का कंटेंट लो रहता है. ओके, दिस इज द सेकेंड टाइप. एंड द लास्ट वन इज निकेल अलॉय कास्ट आयन, वेयर द कास्ट आयन हैज निकेल एज अनदर अलॉय एलिमेंट इन इट, एंड दीज कास्ट आयन आर कॉल्ड एज निकेल अलॉय कास्ट आयन. So this is the second type of classification, and the last one is on the basis of their microstructure and appearance of fracture. Microstructure and appearance of fracture का meaning ये है कि जब भी हम इसको माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे, या अगर हम इन कास्ट आयन का फ्रैक्चर लेंगे, मतलब अगर इस कास्ट आयन को तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, तो उसको ब्रेक करने के बाद में जो साइड से जहाँ से ब्रेकिंग हुआ है, तो साइड से अगर हम उसको देखते हैं उसकी अपियरेंस, उस फ्रैक्चर का अपियरेंस जैसा है वैसे इनके नाम दिए जाते हैं. जैसे कि है यहाँ पर व्हाइट कास्ट आयन, तो व्हाइट कास्ट आयन या इस कास्ट आयन को जब आप ब्रेक करोगे या इसका जो फ्रैक्चर लोगे, पीस लोगे, इसका पीस जो है व्हाइटिश कलर का नजर आता है. ओके, जैसे आप ब्राइट व्हाइट समझ रहे हैं पेज की, जैसा ऐसा है नोटबुक की, तो वैसा नहीं है. जनरली ये कैसा नजर आता है, हमको व्हाइटिश नजर आता है, बट नॉट लाइक ब्राइट व्हाइट. ओके, सो ये हमारा पहला टाइप है व्हाइट कास्ट आयन, जो माइक्रोस्ट्रक्चर में जिसके अंदर हमारे पास में Fe3C रहता है, मतलब कार्बाइड रहता है, जो आयन और कार्बन है उसका कॉम्बिनेशन रहता है कार्बाइड के फॉर्म में. ओके, Fe3C, और उसमें जनरली फ्री कार्बन या ग्राफाइट प्रेजेंट नहीं रहता, इसमें बहुत ही लेस या ऑलमोस्ट निग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ग्राफाइट प्रेजेंट रहता है, दैट इज फ्री कार्बन. दैट्स वाई ग्राफाइट को अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी जो पेंसिल्स रहती है, पेंसिल्स के अंदर जो ब्लैक कलर का लीड आप बोलते हैं, सो दैट काइंड ऑफ ग्राफाइट लुक्स लाइक, और यह ग्राफाइट ही रहता है. सो व्हाइट कास्ट आयन में भी ग्राफाइट हमको देखने नहीं मिलते हैं, Fe3C कंप्लीटली कंबाइंड रहता है, इसलिए इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है या जो कलर है, सो ये कैसा नजर आता है, व्हाइट नजर आता है. Fe3C इज अ कंबाइंड स्टेट. ओके, नेक्स्ट इज मैलिएबल कास्ट आयन. मैलिएबल मतलब जो शीट्स में बनाया जा सकता है, तो इसकी जो डक्टिलिटी है वो ज़्यादा रहती है, और इस मैलिएबल कास्ट आयन से हम शीट्स वगैरह बना सकते हैं. ओके, सो इसीलिए इसका नाम दिया गया है मैलिएबल कास्ट आयन. ओके, उसके बाद में है हमारा ग्रे कास्ट आयन. इस ग्रे कास्ट आयन में जो भी कार्बन है इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, मतलब ये कैसा रहेगा, फ्री फॉर्म का कार्बन इसके अंदर ज्यादा दिखेगा, इसलिए इसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर है जो ये ग्रे हमको नजर आता है, या इसका जो फ्रैक्चर है ये हमको ग्रे नजर आता है. ओके, एक खास बात मैलिएबल के बारे में बोलना मैं भूल गया, मैलिएबल कास्ट आयन जो है ये व्हाइट कास्ट आयन से ही बनाया जाता है अपॉन सम हीट ट्रीटमेंट. उसकी कुछ हीट ट्रीटमेंट की जाती है जिसके बारे में हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो कुछ हीट ट्रीटमेंट के बारे में ये व्हाइट कास्ट आयन को मैलिएबल कास्ट आयन बनाया जाता है. ओके, अगर ये कास्ट आयन के बारे में हम बात कर लिए, जिसके अंदर ग्राफाइट्स रहेंगे, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन रहेगा, ब्लैक स्पॉट्स इसमें हमको नजर आएंगे. इसके बाद अगर नोड्यूलर कास्ट आयन, नोड्यूल या जिसको हम स्फेरॉइड्स बोलते हैं, इसके अंदर जो कार्बन रहता है वो नोड्यूल के फॉर्म में रहता है. नोड्यूल क्या रहता है, तो जैसे हमारे
छोटे छोटे स्पीयर्स रहते हैं या छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं, इस टाइप का ये नॉड्यूलर कास्ट आए हैं। इसमें जो भी ग्राफाइट रहता है ये नॉड्यूल्स के फॉर्म में रहता है, इसमें भी ग्राफाइट ही रहेगा, कार्बन का फ्री फॉर्म रहेगा, बट ये जो फॉर्म है ये कैसा है कि फ्लेक्स की जैसा नहीं है, ये बॉल्स जैसे रहते हैं, छोटे छोटे स्पीयर्स रहते हैं, उस टाइप का ये नॉड्यूलर रहेगा, उसको हम नॉड्यूल्स बोलते हैं, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज नॉड्यूलर कास्ट आयरन। मॉटल कास्ट आयरन जो है, सो मॉटल कास्ट आयरन हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये इंटरमीडिएट टाइप है ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन का। मॉटल मतलब स्पॉट्स को बोला जाता है, मॉटलिंग करना, या जो आप छोटे छोटे स्पॉट्स देखते हैं कई जगह पर पेंटिंग की जाती है, फिर उसके ऊपर छोटे छोटे कलर के दूसरे कलर के स्पॉट्स लगाए, जैसे जैसे कि एक फेमस डैलमेशियन नाम का कुत्ता भी आता है, उसके ऊपर व्हाइट कलर का कुत्ता रहता है, उसमें ब्लैक स्पॉट्स रहते हैं, उसी टाइप के कुछ मॉटल कास्ट आयरन के स्पॉट्स रहते हैं, इसके अंदर ग्रे और व्हाइट कास्ट आयरन का मिक्सचर है जिसके अंदर स्पॉट्स रहेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है मॉटल कास्ट आयरन। इसको दूसरा एक नाम है पिग आयरन भी इसको बोलते हैं, PIG पिग आयरन। ओके, नेक्स्ट वन इज चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन क्या रहता है, तो इसके अंदर चिल का इस्तेमाल किया जाता है, चिल क्या रहता है, तो कास्टिंग जो रहती है, कास्टिंग को फास्ट कूल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं चिल। चिल मतलब क्या है, जैसा आपको सबको पता है चिल मतलब ठंडा करना, राइट। सो उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि जो कास्टिंग्स है इसको फास्ट कूल करने के लिए, किसी खाद स्पेसिफिक पोर्शन को जल्दी कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा चिल का यूज किए हुए अगर कास्टिंग्स रहेंगे तो उसको बोलेंगे चिल्ड कास्ट आयरन। इसमें ग्राफाइट जो रहता है वो ग्राफाइट नहीं रहता है चिल्ड कास्ट आयरन में, इट इज फ्री ऑफ ग्राफाइट। और लास्ट का टाइप है हमारा अलॉय कास्ट आयरन, इसके अंदर अलग अलग अलॉयिंग एलिमेंट्स यूज किए जाएंगे अदर देन आयरन एंड कार्बन, उसको बोलेंगे अलॉय कास्ट आयरन। जैसे अलॉय स्टील है, अदर देन आयरन एंड कार्बन बहुत सारे एलिमेंट्स यूज होते हैं स्टील में, उसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे एलिमेंट्स दूसरे यूज किए जाएंगे। सो लेट अस डिस्कस व्हाट आर द अलॉयिंग एलिमेंट्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन कास्ट आयरन। तो पहला है मैंगनीज का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है मैंगनीज, टू इंक्रीज रेजिस्टेंस टू वेयर एंड एब्रेजंस, इससे डक्टिलिटी भी बढ़ती है, सो इसलिए मैंगनीज का यूज किया जाता है। क्रोमियम है, इससे हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता है और ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस बढ़ता है। निकेल का इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसको और डक्टाइल बनाया जाए, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाए। टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसकी हॉट हार्डनेस जो है या हॉट स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है, हॉट हार्डनेस या हॉट स्ट्रेंथ वो हार्डनेस और स्ट्रेंथ है जो हाई टेम्परेचर्स पे मटेरियल को रिक्वायर्ड रहती है, जैसे कि बहुत अगर हीट है तो वहाँ पर जब हम यूज़ करेंगे इस कास्ट आयरन को तो वहाँ पर ये कास्ट आयरन फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए इसमें टंगस्टन ऐड किया जाता है। ओके, जैसे कि हमारे रिफ्रैक्टरीनेस रहता है, एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर बहुत सारी हीट वो मेटल या वो मटेरियल क्या करता है, रेजिस्ट करता है, उसी तरीके से ये हॉट हार्डनेस और हॉट स्ट्रेंथ रहती है। नेक्स्ट वन इज मॉलिब्डेनम, जिसके वजह से हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, मतलब उसकी हार्डनेस आप इंक्रीज कर सकते हो बाय एडिंग मॉलिब्डेनम। वैनेडियम, इट इंक्रीजेस अगेन हार्डनेबिलिटी एंड हार्डनेस, हॉट हार्डनेस। सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है, अगेन इंक्रीजिंग हार्डनेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज होता है। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है एज ए डी ऑक्सीडाइजर, मतलब ऑक्सीडेशन या करोजन या जंग नहीं लगना है इसलिए हम एल्यूमिनियम डालेंगे, एज वेल एज टाइटेनियम उसके अंदर ऐड करते हैं। नियोबियम का इस्तेमाल किया जाता है टू रिड्यूस हार्डनेबिलिटी एंड इंक्रीज डक्टिलिटी, उसकी डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए नियोबियम यूज होता है। सो जैसा एप्लीकेशन है वैसा हम उसके अंदर अलॉयिंग एलिमेंट्स ऐड करेंगे, सबके सब एक इसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। कुछ इसमें जैसे जहाँ पर डक्टाइल चाहिए वहाँ पर नियोबियम होगा, निकेल होगा, जहाँ पर हार्ड चाहिए वहाँ पर टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, वैनेडियम होगा। ओके, नियोबियम की वजह से एक खास चीज़ होती है कि इसकी जो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ रहती है वो बढ़ जाती है, बिकॉज टफनेस बढ़ जाता है, सो इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी उसका इंक्रीज होता है। और लास्ट जो है कोबाल्ट यूज किया जाता है जो हार्डनेबिलिटी को रिड्यूस करता है और रजिस्ट करता है सॉफ्टनिंग एट एलिवेटेड टेम्परेचर पे, मतलब जब आप कास्ट आयरन को बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाओगे यूज के लिए
तब उसका सॉफ्टनिंग होना शुरू होता है, मतलब सॉफ्ट बनना हो शुरू होता है। तो ऐसे वक्त ये कोबाल्ट क्या करता है, ये टेम्परेचर्स की रेंज को रिड्यूस करता है, रेजिस्ट करता है। सो दीज आर अलॉयिंग एलिमेंट्स। सो दिस वॉज अबाउट जस्ट एन इंट्रोडक्शन अबाउट कास्ट आयंस एंड अलॉयिंग एलिमेंट्स ऑफ इट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयन। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट्स ऑफ अलॉयिंग एलिमेंट्स एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाइट।